हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने सोमवार को हापुड़ देहात क्षेत्र के अंतर्गत चार प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हापुड़ देहात पुलिस के साथ एसपीडीए के अधिकारी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे। इस दौरान एसपीडीए ने जयप्रकाश शेर सिंह नंदकिशोर द्वारा चौधरी ताराचंद डिग्री कॉलेज के पास मंसूरपुर रोड पर लगभग 4200 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग, वसीम रिजवी गुड्डू खान द्वारा लगभग 4000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग, पवन ठाकुर बशर अली इमटौरी बुलंदशहर रोड पर लगभग 3000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग, वेलेस पंकज त्यागी द्वारा मंसूरपुर हापुड़ बाईपास के दक्षिण में बूंदी रोड पर लगभग 7000 वर्ग मीटर में की गई अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। एसपीडीए की इस कार्रवाई के दौरान प्रभारी प्रवर्तन टी के जैन, अवर अभियंता अंगद सिंह, नीरज कुमार शर्मा, सुभाष चंद चौबे और प्राधिकरण के अन्य कर्मचारी और अधिकारी उपस्थित रहे।